ऑलराइट, तो आज की वीडियो उन हस्बैंड्स के लिए जिन्हें ये डर होता है कि वाइफ उनसे कोई मेंटेनेंस ना मांग ले, गॉट इट। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि हस्बैंड सेक्शन 9 डालता है और उन्हें डराया जाता है कि अगर आप सेक्शन 9 डालोगे तो वाइफ है जो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करेगी और आपसे मेंटेनेंस लेगी, गॉट इट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ग्राउंड्स देखती है, गॉट इट, यानी कि वो कुछ ग्राउंड्स देखती है तब जाके वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाती है। तो ये तो जनरल बात है और ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताऊंगा जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेंटेनेंस देने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं और मेंटेनेंस लेना और देना इतना ईजी नहीं है, गॉट इट। तो आज हम बात करेंगे हस्बैंड के लिए, यानी कि हस्बैंड कब कब मेंटेनेंस नहीं देगा, गॉट इट। तो आप समझ सकते हो कि ये ग्राउंड्स हैं वाइफ के लिए जो फेल हो जाते हैं, उन कंडीशंस में वाइफ आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो फर्स्ट ग्राउंड ये है कि अगर आपकी जो वाइफ है वो अर्न करती है, यानी कि वो कुछ पैसे कमाती है और अपना मेंटेनेंस चलाती है, तब आप उस कंडीशंस में आप मेंटेनेंस दे नहीं सकते, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है देने की और ये बात कोर्ट भी कंसिडर करता है, गॉट इट। फर्स्ट बात हो गई अर्निंग, यानी कि अगर आपकी वाइफ अर्न करती है तो वो मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं है, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती आपसे बिल्कुल भी, गॉट इट। सेकंड है वेल क्वालिफाइड, यानी कि अगर आपकी जो वाइफ है वो वेल क्वालिफाइड है, गॉट इट, यानी कि वो ग्रेजुएट हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं बट वो कमा नहीं रहे, तो कोर्ट इस चीज़ में कंसिडर करेगा कि आप वेल क्वालिफाइड हो तो आप मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं हो, गॉट इट। थर्ड ग्राउंड ये है कि अगर वाइफ का हस्बैंड के अलावा किसी से अफेयर चल रहा है, यानी कि अडल्ट्री, तो उस कंडीशन में वाइफ मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेशन, यानी कि हस्बैंड वाइफ की शादी हुई लेकिन कुछ समय बाद वाइफ खुद अपनी मर्जी से कहीं और चली जाती है, हालांकि हस्बैंड उनको वापस बुलाने के लिए बुलाता है, रिक्वेस्ट करता है, बट वो वापस नहीं आते हैं, यानी कि जो वाइफ है वो खुद अपनी मर्जी से सेपरेट हुए हैं, तो उस कंडीशन में मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा हस्बैंड वाइफ को, गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम डिस्पैरिटी, गॉट इट। इसमें क्या है, सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, हस्बैंड की सैलरी कम है, वाइफ की ज़्यादा है, गॉट इट। तो अगर वाइफ की ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप मेंटेनेंस देने के लायबल नहीं हो, यानी कि आपको कोई मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। सो आई होप ये थे कुछ ग्राउंड, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस देना इतना इजी नहीं है। तो आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि भी उनके पास मेंटेनेंस का एक नोटिस आता है तो वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप उस चीज़ का रिटर्न स्टेटमेंट बनवाइए, यानी कि उस चीज़ में जो आपके फैक्ट्स हैं उसको रखिए और उसको डिनाई करवाइए, यानी कि उस चीज़ का रिप्लाई बनवाइए आप, गॉट इट। तो आप बिल्कुल डरिए ना, उस चीज़ का रिप्लाई बनाइए और इन ग्राउंड्स का ध्यान रख कीजिए, गॉट इट।